हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज हम आ रहे हैं अपने देहरादून के बेहतरीन मार्केट में। मतलब देहरादून का ये कौन सा मार्केट है भैया? मोती बाजार। और ये मुझे कह रहा था कि मच्छी बाजार है। ये मच्छी बाजार कहाँ पर है? मोती बाजार है। मच्छी एक भी मच्छी नहीं दिखी मेरे को वहाँ, पूरे मच्छी बाजार में मच्छी ही नहीं थी। तो बाकी अब हम यहाँ से जाएंगे सजल भैया की गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करवाने, है ना। अपने गाड़ी में जो है वो नंबर प्लेट टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं, तो कहते हैं कि मुझे ना अपडेशन अच्छी लगती है, तो ऐसा सजल भैया कहते हैं। तो अपनी गाड़ी की टाइम टू टाइम अपडेशन कराते रहते हैं, नंबर प्लेट की भी गाड़ी की भी। देख मैं क्या बोल रहा था, ये भाई की है यहाँ पर पाइनएप्पल की दुकान शॉप है ना, तो पाइनएप्पल जूस सेंटर है भाई का। और भाई कह रहा है कि मेरी दुकान पे आना, लेकिन तुम बोल दो कि भाई शर्मारा। और पीछे से ऑफ कैमरा इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, एक बार करके दिखाइयो। क्या कह रहा था तू? मैं कहा जब मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ, प्रमोशन करता हूँ, तब क्या कह रहा था तू? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखना कैसे शांत सा बैठा हुआ, और वरना कैसे अरे कह रहा अरे मालिक अरे मालिक रहन दो। और अभी देखना काम ढूंढ रहा करने के लिए, जबरदस्ती के काम ढूंढ रहा करने के लिए। चल ठीक है, एक बार बोल तो दे कि आना मेरी दुकान में भाई, आना मेरी दुकान पे, है ना। ठीक है, ये हमारे सजल तेंदुगल जी बुक्स की दुकान में, अद्भुत बुक्स की दुकान में ये भाई साहब अद्भुत सा लग रहा। लेकिन कौन सी बुक लेने आ रहा तू? बता अभी बताऊंगा क्या भाई। आजकल तो बुक ऐसे आने लगी कि भाई बताया भी नहीं जा रहा कि कौन सी है। हैरी पॉटर 8th एडिशन में है। फाइनली बुक ले ली, अब इसको पढ़ के बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि क्या इन्होंने इससे सीखा है। ठीक है, अगर नंबर प्लेट चेंज करवाने जाता क्या? ये वाली नंबर प्लेट अब होगी जी चेंज। कब के लिए बोला भाई ने? कल शाम को मिल जाएगी। तो ये अपना अच्छा तू रेडर्स करता हुआ आ रहा था, इसी वजह से कि ये रेडर्स का नाम है। अब मैंने यहाँ पढ़ा रेडर्स दुकान ना, तो अब यहाँ तो दे दी। ये टूट गई यहाँ से, आंसू ने तोड़ी दी है। अच्छा पहले आंसू को तोड़ते हैं ना पहले आंसू को तोड़ते हैं, फिर जाके नंबर प्लेट चेंज होगी। ये मिलेगी कल, उससे पहले आंसू तू बच के रही हो। ठीक है, कल ये नंबर प्लेट मिलेगी। और यहाँ जो ऑर्डर भाई साहब ने दे दिया आगे पीछे का, लगभग कितने 500 के बोले ने, तो 500 के आगे पीछे के बदलेगी। और ऑर्डर मिलते ही दोबारा ये नंबर प्लेट एकदम से नवी हो जाएगी। तो यहाँ से हम निकलते हैं और अब हम जाएंगे दूसरी जगह, बेहतरीन जगह। वो बेहतरीन जगह कौन सी है भाई? सुनसान में जाएंगे। सुनसान जाएंगे। और वैसे अभी क्या वो सीन हुआ है, इन भाई साहब ने बोला है मुझे कि एक नई जगह कॉफ़ी की, नहीं चाय की, चाय की नई जगह, कॉफ़ी तो हम मजबूरी में पीते हैं, चाय की नई जगह इसने वो करी है, मतलब बातों बातों में सुनी है किसी से सुनी है इसने कि एक जगह जो है बढ़िया चाय मिलती है। और हम दोनों ही पहली बार जा रहे हैं वहाँ, किसी ने रिकमेंड करी थी इसे, अब हम दोनों उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो बाकी देखते हैं वहाँ पर चाय कैसी होती है, अच्छी तो अब वो बताएंगे, और बेकार होती है तो वो बताएंगे, है ना। तो वो सजेशन हम आपको देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। इस लोकेशन पे लाया है भाई अब हमारा, ये कह रहा है कि यहाँ की चाय है बढ़िया। ये देखो यहाँ पर कितने सारे, अगर मैं जूम करूँगा तब शायद तुम्हें पता चलेगा ये है क्या। कुल्लड़ ये बोल। फ्रेंड्स लोग जा रहे डिसेंट फ्रेंडशिप जा रहे लोग। मैं करता हूँ इसमें ये वाली फिक्की वाली मीठी ना। हाँ ये मीठी। और अब मैं पीने वाला हूँ ये चाय, और फिर मैं देखूँगा कैसी होती है। खुशबू अच्छी आ रही है, अब पी के देखते हैं कैसी है ये, है ना। पहले हाँ ऐसा ना हो कि हम यहीं आने लग गए फिर। हाँ, दिख जाएगा ब्लॉग में अगर हो जाएंगे तो। हाँ वरना और भी है हमारे पास अड्डे, घूमने के लिए चाय पीने आ रहे हैं। हाँ जा घूमने जा रहे हैं अपने पौटा साहिब की साइड, और चाय भी नहीं आ रही है इधर की साइड। हाँ चलो ये भी हो तो अच्छा, अच्छी चीज़ होनी चाहिए, अच्छी चीज़ों की कदर करता है ये बादशाह। नहीं अच्छी है, गारंटीड। ठीक है तो अब चाय पी के देखते कैसी है। तो अब सजल भैया को एकदम से याद आया कि सर्दियाँ आ गई हैं, अब वो आ रखे हैं मैक्स। मैं कह रहा एकदम से तेरे को याद आया ना कि सर्दियाँ आ गई, तो अब आया मैक्स। कह रहे नहीं तो मैक्स में होते तो कपड़े पैसे थोड़ा कॉस्टली भी हैं, सस्ते भी हैं, लेकिन कह रहा है कि मैक्स टू मैक्स कितने ले लेंगे मेरे से पैसे।
तो यहाँ से एंट्री गार्ड भैया ने दरवाजा ऑटोमेटिक ऑन कर दिया। थैंक यू गार्ड भैया। मैंने कहा गार्ड भैया से कि वॉशरूम है यहाँ पर, कह रहे दो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में दोनों जगह है, जहाँ पे काली मिले चले जाना। और गुस्से में कह रहे सजल खो गया भाई। सजल ए सजल, तू तो हर बार इधर की साइड आता है, ये वाले कपड़े पसंद है सजल भैया को? आप कमेंट करके बताना ये वाले कपड़े पसंद करने लायक है या नहीं। नहीं, गर्मियों में तो सही रहता है, सर्दियों में करेक्शन आ रहा है, मैं तो ऑटोमेटिकली इधर को आ रहा हूं। तो ले ले गर्मियों में, सर्दियों के सर्दियों के गर्मियों में कुछ उठपटांग कर दे, जैसा उठपटांग आदमी तू है ना, वैसे यार कदे भी कर दे। लार्ज हां, लार्ज तो मतलब पता है, ये वाला कलर तो मेरे को वाकई पसंद है, इसका तो कुछ भी ले लेता है ना। मेरे को दूर से ही दिखाए इस कलर की, मैं लेने वाला था गाड़ी, इस कलर की मैं गाड़ी नहीं ले पाया, तो मैंने पता क्या क्या लिया इस कलर का, टी-शर्ट है, ट्रिमर, वो स्पीकर और दो तीन चीजें और, चप्पल सारी इस कलर की, साल के बोने से लगे था एकदम से याद आया ना, तो चप्पल इसको डाल दो इसकी जगह, क्योंकि ब्लैक तो एवरग्रीन है ना। रेनकोट लग रहा, रेनकोट रेनकोट लग रहा, मतलब अभी पहन हुआ ना, अभी तक तो चेन वाला सही लगता है, उसकी शेप सही आती है। कैसा जो पूरा नीचे तक रहती है चेन ना, तो सही रहता है। हाँ तो ये कैसा लग रहा है? ये भी सही लग रहा है, अगर तुझे उस कलर में ही चाहिए। तो रेनकोट लग रहा है, रेनकोट लग रहा है। हाँ कलर कलर ठीक लग रहा है इसका बस। हाँ बॉम्बर जैकेट, ये फिर भी ठीक रह रही है। हाँ देख सीसा पीसा इधर आ, जिंदगी में इधर आ, कहाँ है इधर। तीन लोग जा रहे हैं देखने के लिए। ओ बढ़िया ना, बढ़िया लग तो बढ़िया। तो भैया अब यहाँ से हो गई है शॉपिंग और कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ तो लिया है आपने, कुछ तो लिया है आपने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ सच में लिया है ये देखो, लेकिन दिखाना पड़ रहा कि ऐसे भी क्या सच में लिया है। लेकिन ऐसा सीन है कि यहाँ पर जो हमें जो चीज़ें पसंद आई है ना, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर दिन आएंगे है ना, तो उस टाइम पे एक अच्छा सा बजट बना के आएंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें पसंद आई वो ओवर बजट थी यार एकदम से। अगर बंदा सोचेगा कि मुझे कुछ लेना है तो एकदम से नहीं लिया जाता, तो वो लेंगे हम कुछ टाइम बाद। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और आप लोगों से लेते हैं हम आज के ब्लॉग में विदा है ना। और भाई हमारा कर रहा है गाड़ी पीछे, आज के ब्लॉग से लेते हैं हम विदा, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में है ना। तो जो भी हम चीज़ें करना चाहेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। बाकी चलो फिर सही है।